नमस्कार, मैं अतिन तिवारी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी सिवान। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम सिवान जिले की भगवानपुर हार थाना क्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां भगवानपुर हार थाने के जो एसआई शशिभूषण कुमार हैं उनका तबादला हो गया है। बता दें कि एसआई शशिभूषण कुमार को भगवानपुर हार थाने से बढ़रिया थाने में भेजा गया है। तो बड़ी खबर सबसे पहले आपको न्यूज़ टीवी सिवान चैनल पर दिखा रहे हैं, जहाँ भगवानपुर हार थाने में जो एसआई शशिभूषण कुमार थे उनका तबादला किया जा चुका है। उन्हें भगवानपुर हार थाने से बढ़रिया थाने में भेजा गया है। वह इनके साथ साथ और भी तीन थानों के एसआईयों का तबादला हुआ है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं। आपको हम बता दें कि पुवनी सुधीर शाह जो कि बढ़रिया थाने में थे, अब उन्हें भगवानपुर हार थाने में भेजा गया है। साथ ही निसार शाह जो कि बढ़रिया थाने में थी, उन्हें लकड़ी नबीगंज ओपी थाने में भेजा गया है। वहीं पुवनी अफ्ताब आलम जो कि लकड़ी नबीगंज ओपी थाने में थे, उन्हें बढ़रिया थाने में भेजा गया है। तो इस तरह से चार थानों के जो एसआई हैं उनका तबादला हुआ है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले, यानी कि लगभग 4 से 5 दिन पहले, न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम भगवानपुर हार थाना क्षेत्र के मोरा बाजार से एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी, जहां हमें दिखाया था किस तरह से मोरा बाजार पर एक किराने की दुकान में भयंकर आग लगी थी। और इसको लेकर बताया जा रहा था कि उस दुकान में जो है लगभग 4 से 5 लाख रुपये के सामान जलकर राख हो गए थे। इसको लेकर लोग काफ़ी आक्रोश में थे। लोगों ने सड़क को पूरी तरह से जाम कर बीच सड़क पर आगजनी भी की थी और जमकर हंगामा भी किया था। वहीं कुछ घंटों के बाद भगवानपुर हार थाने की प्रशासन पहुंची हुई थी। बता दें कि उस समय भगवानपुर हार थाने में जो नए थानाध्यक्ष संजीव कुमार हैं वो अपने दल बल के साथ आए हुए थे, लेकिन उनकी कार्यशैली को देखकर लोग काफ़ी और आक्रोश में थे और वो लोग और भी जमकर वहाँ हंगामा करना शुरू कर दिए थे। बता दें कि उस समय न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम भी पहुंची हुई थी और जब हमने थाना अध्यक्ष संजीव कुमार से कुछ सवाल पूछे तो थाना अध्यक्ष हमारे सवालों से पिछड़ने लगे, भागने लगे थे। हमने कई बार प्रयास किया पूछने के लिए, लेकिन जब भी पूछ रहे थे तो वो अपना कदम पीछे हटा लेते थे, यानी हमारे सवालों से डर जा रहे थे। बता दें कि उस समय जो दुकान मालिक थे वो किस तरह से एक जो एसआई हैं शशिभूषण कुमार उन पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। बता दें कि जब न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम दुकान मालिक से बात करने का प्रयास किया था तो दुकान मालिक ने साफ तौर पे भगवानपुर हार थाने की प्रशासन पर काफ़ी बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। उसने कहा था कि भगवानपुर हार थाने की प्रशासन जो है काफ़ी निकम्मी है, वो खाली कमीशनखोरी और घुसखोरी में रहती है। उसने कहा था कि जो भगवानपुर हार थाने के एसआई शशिभूषण कुमार हैं वो काफ़ी कमीशन खाते रहते हैं, तभी वो अपराधियों को पकड़ते नहीं हैं और अपराधी खुलेआम बड़ी से बड़ी घटना को अंजाम दे रहे हैं। कैसे आग लगी? आग लगी नहीं, आग लगाई गई आलोक सिंह उर्फ ढाप सिंह आ बंदूक के बल पर आग लगा दिए पेट्रोल गिरा कर, ठीक। आ उनका श्रेय देते हैं थाना शशिभूषण सिंह, उनसे सामने आते हैं और दोनों आदमी दारू पीते हैं सामने, बिहार में बंदी के सामने दोनों आदमी दारू पीते हैं और बोलते हैं कि तू जितना काम कर उतना काम फ्री है तुम्हें, लेकिन मेरा हिस्सा आधा आ जाना चाहिए। कौन बोलता है? थाना पर शशिभूषण, हाँ शशिभूषण सिंह। उसने कहा था कि जिस व्यक्ति ने इस दुकान में आग लगाई थी उनके साथ शशिभूषण का जो है उठक बैठक है, वो कमीशन खाते रहते हैं, जिसकी वजह से वो उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करते हैं। उसने कहा था कि कई सारे एसआई थानाध्यक्ष का तबादला हो चुका है, लेकिन शशिभूषण कुमार जो एसआई हैं उनका अभी तक तबादला नहीं हुआ, जिसके बाद न्यू टीवी सिवान चैनल की टीम इस खबर को बनाई भी थी और कई सारे प्रशासन पर सवाल खड़ा की थी, जिसके बाद अब लगभग 4 दिन बाद जो एसआई शशिभूषण कुमार हैं उनका तबादला किया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि न्यू टीवी सिवान चैनल की खबर का जो है असर बहुत बड़ा हुआ है और अब भगवानपुर हार थाने के एसआई शशिभूषण कुमार का तबादला बढ़रिया थाने में हो गया है। तो बस इसी तरह आप हमारे बीच बन रही है, हम आपके बीच इस तरह और भी नई नई ताज़ा खबरों की अपडेट लाते रहेंगे। देखते रहिए न्यू टीवी सिवान से, संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।